बसमिल्लि आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे स्पर्मियों जेनेसिस ठीक है तो वाट इज स्पर्मा जानी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास प्राइमोडियल जैम सेल्स हमारे पास बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड्स प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड्स और फिर उससे हमारे पास स्पर्मेटिड्स बनते हैं ठीक अच्छा, है अच्छा स्पर्मेटिड्स जो हैं वो पेरेंट है वो है हमारे पास पेरेंट किसका स्पर्म्स का ठीक है स्पर्मेटिड्स जो है ओवल सेल्स होते हैं उसके अंदर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती हैं जिससे हमारे पास बनता है मेच्योर स्पर्मेटोजुआ ठीक है मेच्योर स्पर्म बनता है अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस कैसे होती है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं और किस तरह स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाता है मेच्योर स्पर्माटोजुआ में ठीक है सबसे पहले तो आप देखें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मे, स्पर्मेट स्पर्मेट्रड ये राउंड सा स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये हमारे पास ये न्यूक्लियस है स्पर्मेटिड के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये इसके जो माइट्रोकोन्टियाँ ये हमारे पास एनचोर है स्पर्मेटिड्स के अंदर और ये है गोल्जी ऑपरेटर्स ठीक है अच्छा अब होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे मूव करना शुरू करता है एक साइड पे मूव करना शुरू करता है जिस साइड पे मूव करना शुरू करता है जो सेल है उस साइड पर वो ब्रॉड हो जाता है ठीक है और जो उसका ऑपोजिट साइड है ये देखो न्यूक्लियस जो आगे की तरफ मूव किया तो जो सेल न्यूक्लियस जिस साइड पर मूव किया वो सेल जो है ब्रॉड हो गया और जिसकी ऑपोजिट साइड है वो नैरो हो गई ठीक है तो ये इस तरह का बैलून लाइक शेप अटेंड कर लेता है एसफर्मेटी ठीक है अच्छा अब ये जो न्यूक्लियस था उसके इर्द गिर्द मैंने आपको बता दिया गोल्जी ऑपरेटर्स है तो ये जो गोल्ची अप्रेटस है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एक्रोसोमल कैप में ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर है गोल्ची अप्रेट से कन्वर्ट हो गया एक्रोसोमल कैप के अंदर ठीक है अच्छा उसके बाद जो सेंट्रियो जो सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम कन्वर्ट होता है सेंट्रियोल कर हो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो साइड पर माइट्रोकॉन्डिया थे या माइट्रोकॉन्ड्रिया ठीक है अच्छा ये हमारे पास था ये स्टार्ट हो गया कि स्पर्मेजेनेसिस की स्टार्ट थी जिसके अंदर स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो गया इस तरह बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अब इससे बनेगा स्पर्म अब ये देखें यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया स्पर्म के अंदर अब ये जो न्यूक्लियस था न्यूक्लियस ने बना दिया हेड हेड इसके अंदर हमारे पास है न्यूक्लियस ठीक है अच्छा अब ये जो गोल्जी ऑपरेटर्स था गोल्जी ऑपरेटर्स हमारे पास बन गया एक कैप और ये सेंच्रोअल था ये हमारे पास आ गया नेक के अंदर ये वाला सेंच्रोअल था ये नेक के अंदर आ गया अब ये सेंच्रोअल पहले तो एक सेंच्रोअल सेंट्रोसोम से हमारे पास दो सेंच्रोअल बने थे ये सेंट्रोसोम था इससे हमारे पास एक प्रोक्जिमल आगे वाला और एक डिस्टल सेंच्रुअल बना था जो प्रोक्िमल सेंट्रूल है वो हमारे पास नेक के अंदर आ जाएगा ठीक है और जो प्रोक्स डिस्टल है वो जो मिडल पीस और प्रिंसिपल पीस है उसका जंक्शन है उसके ऊपर आकर एक स्ट्रक्चर बना देगा उसको हम कहते हैं एनुलस यानी एनुलस कहते हैं रिंग लाइक -like स्ट्रक्चर बना देगा इसलिए हम उसको कहेंगे एनुलस ठीक है अच्छा अच्छा ये जो सेंट्रियल था नेक के अंदर जो बना था इससे अंदर हमारा इससे निकलेगा हमारा फिलामेंट्स ये ना फिलामेंट की फॉर्मेशन करेगा फिलामेंट जो उसकी फॉर्मेशन होगी वो सारा स्पन के अंदर फैल जाएगा ये देखो यहाँ से इसकी फिलामेंट की फॉर्मेशन फार्मेशन फिलामेंट निकलना शुरू हो होगा यहाँ से पहले प्रिंस ये मिडिल पीस में उसके बाद प्रिंसिपल उसके बाद टर्मिनल पीस से निकलते हुए स्पर्म से बाहर आ जाएंगे ठीक है ये टेल बना देगा ठीक है अच्छा और ये जो माइट्रोकॉन्डियर थे माइट्रोकोंडियर हमारे पास प्रिंस मिडिल पीस के अंदर रहेंगे और ये पेफ्री पेरीफरल रीजन के अंदर होंगे सेंट्रल में सेंट्रल में हमारे पास एक्जेल फिलामेंट थे उसके बाद हमारे पास डेंस फाइबर था डेंस फाइबर और उसको स्ट्रांग कर देंगे माइट्रोकॉन ठीक है इस तरह ही हमारे पास फॉर्मेशन होगी किसकी इस तरह ही हमारे पास सब स्पर्मेजनिस का प्रोसेस होगा जिसमें अंदर स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएंगे मेचोर स्पर्मेटोजोआ के अंदर जब स्पर्माटा मुकम्मल तौर पर बन जाएगा तो क्या होगा हमारे पास जो सेमे फेरेस्ट्रिब्यूल था उसके ल्यूमन के अंदर इंटर कर जाएगा क्या स्पर्मेटाजुआ ठीक है अच्छा अब जो सेमे फेरेस्ट्रिब्यूल्स से है उसके वॉल के अंदर जो है कॉन्ट्रेक्टायल एलिमेंट्स होते हैं जब वो कॉन्ट्रेक्टायल एलिमेंट जिसके वॉल के अंदर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो जो स्पर्म है वो एपिडिडिमिस के अंदर आ जाएगा वहाँ से मूव करके कहाँ जाएगा एपिडिडिमिस के अंदर आ जाएगा ठीक है अच्छा जो शुरू शुरू के अंदर जो स्पर्म होता है वो नॉन मोटाइल होता है जब वो एपिडिडिमिस में आ जाएगा तो वो फुल्ली तौर पर अपनी मोटिलिटी जो है वो अटेन कर लेगा